भाई जी पर आज वाह लगन दे यार, मेहरबानी करो थोड़ा। हाय, तो यार ईद के पहले दिन का सूर्य निकल आया यार, बहुत बहुत ईद मुबारक और गुड मॉर्निंग। आई विश कि आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजरेगी और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही बहुत सारी अच्छी ईदें देखना नसीब करे, आमीन। तो यार वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग यार बहुत इंटरेस्टिंग होगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबकी ईद का सूरज निकला है लेकिन इन टेलर लोगों की ईद का अभी तक सूरज नहीं निकला। भाई जान यहाँ पर गले मिलते हैं, मिलते हैं। अच्छा, ओ यार ये वाला गले नहीं, वो बुकरम का गला। सात बज चुके हैं और ईद की नमाज 7:30 बजे, तो ईद की नमाज पढ़ने से पहले थोड़ा सा मुंह मीठा ही कर लेते हैं। मजेदार। आजादी मुबारक, आजाद हो गया रोजे के बाद। मुर्शिद यार ठीक है, सोने आयो यार, छोड़ दो। देखो यार माशाल्लाह सारे कितने प्यारे लग रहे हैं, और इसको देख लो इधर इधर, ये एक इसका ये कलर कपड़ों का, ऊपर से ये जो जेब पॉकेट लगा रही है ऊपर से, ये जो फैशन है ना तुम्हारा है, ये उस जमाने का जब जंग भी चुपेड़ू के साथ हो। थले पानी निकल गया जी, अपने को गया, अपने को सिर्फ पानी निकला। अच्छा अभी हम ईद पे लूर लूर करने के लिए निकले हैं, तो एक लड़के को कॉल किया, वो कहता है मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो उसका वेट कर रहे हैं। दोस्त को पिक कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं KFC रोटी शोटी का कुछ सीन करने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रास्ते में यार एक एक्सीडेंट हुआ है, ये गाड़ी कलाबाजी खाते हुए दूसरे रोड से इस रोड पे आई है, गाड़ी की कुछ हालत ही नहीं बची। लेकिन अब लड़के का कोई पता नहीं, ड्राइवर का जो वो बचा के नहीं, उसके उसकी क्या हालत है अभी यार, कोई कुछ पता नहीं। देख लो यार इसकी बिल्कुल भी कोई हालत नहीं बची यार, अल्लाह के फजल से यार लड़के की बचत ही हो गया। जितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है ना उतनी इसको लगी नहीं यार, सिर्फ बाजू पे इसको लगी है, 2 सुराख हो गए हैं इसके, वो मैंने खुद देखे हैं, मैं अब दिखा नहीं सकता आपको, ब्लर कर। सारे रास्ते पूरी चिल मोल में सिद्धू मूसेवाला को सुनते जा रहे थे, लेकिन जब एक्सीडेंट देखा तो हम सब का हाजी शरीफ जिंदा हो गया था। तो फाइनली यार KFC पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये हमें एंटर नहीं होने दे रहे, शायद कोई प्रॉब्लम है। आज यार बहुत बुरी किस्मत है यार, KFC पे आए हैं तो वो कहते हैं जी 1 बजे ओपन होगा। KFC वालों ने तो मुंह नहीं लगाया, इधर देखते हैं यार कि क्या सीन है। मलाई बोटी या कबाब सुपर, तो फाइनली यार 25-30 मिनट वेट करने के बाद अपना पिज्जा पहुंच आया है। क्यों बनाने आप तस्वीर? ये फोटो बनाने वास्ते मंगवाया जी। वापस कर देना। जब ठीक है फोटो शोटो बना लिए, हम जाके वापस कर रहा हूं। मजेदार। हाय, तो यार अपन लोग आ गए हैं घूम फिर के रोटी शोटी का इंतजाम करके, लेकिन यार तुम लोगों को पता ही है कि सारी रात मैं सोया नहीं हूँ, तो बहुत थकावट हो रही है यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाईजान सारा दिन हो गया हम लोग मिले नहीं, इस टाइम मिल रहे हैं, आपके मिलने की खुशी में मैं आपके लिए केक लेके आया। अंदर किसी ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ यार। ईद का सारा दिन गुजर गया, हम सुबह मिले थे ईद के टाइम, उसके बाद हम अभी मिल रहे हैं। 10 बजे मिले, तो वो सुबह ही था। वैसे यार सारा दिन हो गया, तुमने अभी तक कैप भी नहीं उतारी और ना ही तुमने ये पीला येलो कलर का सूट बदला, इतना वाकई तेरी गल सही है वो कलर, ये ऐसे किसे दी थी जेब में। मैं के दसिया यार आजकल इधर सामने पॉकेट का ट्रेंड खत्म हो चुका है। अभी रात के 8 बजने वाले और मैं सुबह से एक ही काम कर रहा हूँ, बस खाना खाना खाना, कोई भी चीज़ मिलती है यार छोड़ने का नहीं। ईद के दिन खाओ ठूसो, जितना खा सकते हो खाओ। ये
जो चम्मच के साथ लगा हुआ अभी नहीं छोड़ रहा। ठीक है, सुन रहे हो, ये भी खाना है। लेकिन ये बहुत टीट है, ये नहीं उतर रहा। तो यही था यार मेरा ईद के पहले दिन का छोटा सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल यार हमारा सीन है किला रोहतास जाने का, तो बहुत मज़ा आएगा यार, इंटरेस्टिंग सा व्लॉग होगा। आपको किला रोहतास भी विजिट करेंगे और खुद भी शुगर मेला लगाएंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यार मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।